अब देखिए फमका था गैरा भाई दिन, तो हुदूद कुछ ज्यादा देर ना ठहरा, यानी फिर आ गया आपकी खिदमत में। फकाला अहदतु बिमा लम तुहिद भी, और कहा कि मैं वो बात देख आया हूँ जो हजूर ने नहीं देखी, यानी उसने अपना तजर्बा बयान किया, एक्सपीरियंस बयान किया कि मैं वो चीज़ देख कर आया हूँ जो आपने नहीं देखी अभी तक। वो जी तुगम इन सब इन बिनब इन यकीन, और मैं शहर सबा से हजूर के पास एक यकीनी खबर लेके आया हूँ। ये मुल्क सबा था, इसको सबा क्यों कहते हैं? सबा कहने की वजह ये था कि सबा नामी एक शख्स था, और ये कहतान की औलाद में से था, जो अरबों के जद्दे अमजद हैं, जो यमन वाले भी अरबी हैं, तो उनकी औलाद में से था, और ये बादशाह था, तो इसके नाम पर इस मुल्क का नाम रखा गया। और उसकी मुख्तसर स्टोरी ये कि बहुत बड़ा बादशाह था, और उसने एक मरतबा अपने लोगों से कहा कि तुम में से कोई भी मेरे बराबरी का नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों में से शादी नहीं कर सकता, कि मेरे बराबरी का कोई है ही नहीं जिससे मैं शादी करूं। ठीक है ना, जैसे आगा खानी करते हैं ना, उनके जो खुदा बने हुए हैं, जो भी आगा खान वगैरह हैं, उनके यहाँ पे भी ये होता है। वो कहता कि हम एक ऐसी नस्ल है कि हमारी कौम जो है वो हमारी बराबरी की नहीं है, इसलिए वो खुद अपनी शादी गैर मुस्लिमों से करते हैं, ईसाइयों से, यहूदियों से करते हैं, और अपनी बेटियों की शादियाँ भी ईसाइयों और यहूदियों से करते हैं। तो इस ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो उनकी इबादत कर रहे हैं, माज़ल्ला। अल्लाह ताला इस पस्ती से हम सबको बचाए, और जो इस पस्ती में गिरे हुए हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए कि अपने जैसे इंसान को जो खाता पीता हगता है उसको खुदा बनाया हुआ, माज़ल्ला सुबह माज़ल्ला। तो बहरहाल लिए सबा ने भी कहा, फिर उसने जो है एक जिन्नी से शादी की थी, सबा ने एक जिन्नी से शादी की थी, और उससे फिर उसको एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम बिल्किस था। तो अब ये उन्हीं की बात चल रही है कि इन्नी वजह तू इमरातन, अब हुदूद कह रहा है कि मैंने एक औरत देखी है, तब लिखो हम जो उन पर बादशाहत कर रही है, वो ऊतियत मिन कुल शैन, और उसे हर चीज़ में से मिला है, यानी उसको भी अल्लाह की बड़ी नेमतें मिली हुई हैं, उसके पास भी बहुत कुछ है, और बड़ी बादशाह है वो औरत। और ये मलका बिल्किस की बात हो रही है। वलहा अर्श नजीम, और उसके लिए एक बहुत बड़ा तख्त है उसका। तो मलका बिल्किस का तख्त जो था, वो कहते हैं कि 80 हाथ लंबा था और 40 हाथ चौड़ा था, काफ़ी बड़ा तख्त था वो, और वो सोने का तख्त था सारा का सारा, और उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो हम दादा कर लीजिए कि कितना ज़्यादा सोना होगा इनके पास, और कैसे मामलात होंगे। और ख़ुद भी बड़ी कमाल बाकमाल औरत थी, कि खसूसियत पाई जाती है जिन्नात वाले भी और इंसानों वाले भी, कि उनकी वालदा जिन्नात थी। और इनके वालिद के इंतकाल के बाद फिर ये जो है इसकी बादशाह बनी। बाद लोगों ने इसका इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी तरकीब से, अपनी ताकत से उन सबको जेर कर लिया, और उनके अंडर जो है ना 12,000 सरदार थे, और हर सरदार के पास 1-1 लाख की फौज थी। अब अंदाजा कर लें कितना बड़ा इनका मामला था, कि कितनी बड़ी इनकी फौज थी और कितना बड़ा इनका सब कुछ था। तो वलहा अर्शुन अज़ीम, और उसका बड़ा तख्त है। वजदतुहा व कौमहा यसजदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, और हुदूद कह रहा है कि मैंने उसे और उसकी कौम को पाया कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं। ये लोग सूरज के पुजारी थे। वज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल उनकी निगाहों में सवार कर रख दिए। यानी ये इसकी वजाहत पिछली दफ़ा भी मैंने की थी कि हर बुरे आदमी को शैतान बताता कि नहीं तू बड़ा अच्छा काम कर रहा। अब ये जो है बुद्ध की पूजा कर रहे थे, तो अब शैतान ने इनको ये समझाया होगा
कि ये सूरज जो है सूरज देवता, बस इसी से सब कुछ मिलता है। ये सूरज ना हो तो ज़मीन पे कोई घास नहीं उगती, कोई फल फूल नहीं उगते, ज़मीन पे रोशनी नहीं होती। तो ये सूरज देवता जो है बड़े काम का, इसकी इबादत करनी चाहिए। तो शैतान इस किस्म की बातें दिल में डालता है, ठीक है। ऐसे हिंदुओं के दिल में डाला हुआ कि गाय होए होए होए, बहुत ऊंची चीज है गाय। शैतान ने उनके दिल में डाला हुआ, किसके ऊपर तो जमीन कायम है, इसके सींगों पे जमीन खड़ी है, गाय की वजह से दूध मिलता है, गाय की वजह से ये होता है, इसलिए उसकी पूजा कर रहे होते हैं गाय की, ठीक है। हालांकि उन लोगों को ये नहीं पता नहीं है, ये सूरज की पूजा करने वालों को, ये गाय की पूजा करने वालों को, कि भाई जो चीज़ तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की गई वो तुम्हारा खुदा नहीं हो सकती। वरना तो तुम्हारे बादशाह को चाहिए कि अपने खादमीन की इबादत करें, क्योंकि बादशाह की सबसे ज़्यादा खिदमत कौन करते हैं? नहीं नहीं बताओगे मेरे को? हया ना तो बोल दो, कौन करते हैं बादशाह की खिदमत? खादिम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले वही हुए ना, तो फिर बादशाह को चाहिए उनकी इबादत करें और उनके सामने बैठे सजदे करें, लेकिन बादशाह तो नहीं करता। तो वहाँ पर तुम्हारी ये लॉजिक कहाँ चली गई कि भाई गाय को इसलिए खुदा मान रहे हैं कि बहुत खिदमत करती है, सूरज को इसलिए खुदा मान रहे हैं कि बहुत खिदमत करता है? तो खिदमत करने वाला ही है तो उसकी इबादत करने में लग गए हो, तो तुम्हारे ऑफिसरों को चाहिए अपने नौकरों की इबादत करें, और तुम्हारे बादशाह को चाहिए कि अपनी रियाया की इबादत करें, तुम्हारे वजीर आज़म को चाहिए कि अपनी जनता की इबादत करें, क्यों नहीं करते? तो ये अल्लाह ताला इनकी समझ को रोक लेता है और इनको ये शैतानी काम में जो अच्छाई नज़र आती है, तो कहा कि उसके शैतान ने उनके अमाल उनके लिए सजा दिए, फसद्दा उमन सबील, और उनको सीधी राह से रोक दिया है, फाउम ला यातदून, और वो राह नहीं पाते हैं। बड़ी बात है।